नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी नाश्ते की, जो कि इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बनने वाला है। इसको बनाने में केवल आपको 5 मिनट लगेंगे। ये बनेगा बेसन, ओट्स का चूरा और पोहे के चूरे से, जिसे पोहा जो फ्लैट एंड राइस होता है वही। यहाँ पर ये मैंने पोहा लिया है, 1 टेबलस्पून है, और ये है ओट्स को मैंने पीस लिया है, तो ये 2 टेबलस्पून है, और बेसन 1 टेबलस्पून है। केवल ओट्स 2 टेबलस्पून, बाकी दोनों चीजें 1-1 टेबलस्पून। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और नमक, ये मैं 1 चीला बना रही हूँ, इसमें मोटा सा 1 चीला बनेगा, और हल्दी है थोड़ी सी है, बिल्कुल 1/4 से भी थोड़ी सी कम है। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी, और इसका हम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसमें घोल में आप ज़्यादा पतला मत बना लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा पतला बनाने से वो इसमें अंदर से क्रिस्पी नहीं लगेगा आपको, तो पतला घोल मत बनाना ज़्यादा। मैं बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो इसमें लम्स वगैरह कुछ पड़ जाएं तो उसको हमने हटा देना है, क्योंकि इसमें बेसन वगैरह यूज़ हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसकी जगह आप धनिया डाल सकते हैं, धनिया पत्ती डाल सकते हैं, और जो भी कच्ची सब्जियां आप खाते हैं उनको बारीक बारीक काट कर आप इसमें डाल सकते हैं, और ना भी डालें तो भी बहुत टेस्टी लगता है ये, हमें तो ये बहुत पसंद आता है, अक्सर हमारे घर में ये बनता रहता है। और ओट्स आपको पता ही है कितने हेल्दी होते हैं। अब तवा हमारा गर्म हो चुका है, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल या घी, मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये इसमें मैं 1 ही चीले का मैंने इसमें बैटर बनाया है, तो ये देखिए इसमें आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, तवे में ऐसी आवाज़ आने लग जाए तब आपने अपना जो घोल है, बैटर है, वो डालना है चीले का। अगर ठंडे तवे में आप डाल देंगे तो ये चीला प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी चीले की रेसिपी देती हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारा नहीं बना, टूट गया, तो यही सब छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो हो जाती है, जिसके कारण से ये प्रॉपर बन नहीं पाता। अब फ्लेम को हमने यहाँ पे लो मीडियम रखा हुआ है, लो मीडियम पे ही हमने इसको सेका है। अब किनारे इसके सिक गए हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिक जाता है जल्दी। अब ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ घी सिकने के बाद। अब इसको हम पलट देंगे, तो वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही पलटना, तो आपसे इजीली पलटा जाएगा, ये पलट सकेंगे। अब इसको थोड़ा घुमा देंगे, साइड में थोड़ा बहुत घी वगैरह हो तो इसमें लग जाएगा वो। फ्लेम अभी भी लो मीडियम ही है, लो मीडियम पे बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी सा बनेगा और काफ़ी टेस्टी लगता है। अभी दूसरी साइड से हम पलटेंगे, तो मैं दिखा रही हूँ ये जो मैंने झर ली है, आप पोनी कहते हैं, झर कहते हैं, तो इसको उल्टी साइड से, सीधा नहीं, उल्टी साइड से ऐसे फिर इसको पलटना है, तो ये कभी टूटेगा नहीं। आप बना के देखिएगा, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं पोहा और ये ओट्स हैं ये हमेशा पिसे हुए रखती हूँ, और जब भी थोड़ी सी भूख लगती है, मन करता है खाने का, तो प्याज वगैरह इसमें काट के और कच्ची सब्जियाँ डाल के बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लेन बनाओगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए।